गाइस आपने बहुत सारी लिस्ट देखी होगी, 10 ग्रेटेस्ट रेसलर्स ऑफ ऑल टाइम, 10 ग्रेटेस्ट WWE सुपरस्टार्स ऑफ ऑल टाइम, बट ये लिस्ट होने वाली है उससे बिल्कुल अलग। ये लिस्ट होने वाली है टॉप 10 मोस्ट फेमस WWE रेसलर्स ऑफ ऑल टाइम। सो गाइस ये होने वाला है लिस्ट ऑफ WWE बडीज का एपिसोड 1 आपको काफ़ी पसंद आया था तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और जिसने नहीं देखी है वो वीडियो है, वो एपिसोड आपको लिंक मैंने दिया डिस्क्रिप्शन में, उसे जाकर आप ज़रूर देखिएगा इस वीडियो के बाद। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि WWE से रिलेटेड हर एक न्यूज़, हर एक अपडेट्स और एंटरटेनमेंट सब आपको यहीं मिलने वाली है इस चैनल पर। अब यार मोस्ट फेमस की लिस्ट में आप तभी आ सकते हो जब आप सिर्फ WWE तक सीमित नहीं हो, जब आप WWE से बाहर भी कुछ करते हो, यानी कि मूवीज़ में काम, हॉलीवुड के लिए काम, कोई शोज़ में काम, कोई इवेंट्स में आप जा रहे हो, तब जाके आप फेमस रेसलर्स की लिस्ट में आते हो। और ये 10 रेसलर्स वही होने वाले हैं जिन्होंने WWE से बाहर भी अपना नाम कमाया है और इस लिस्ट में अपना नाम पाया है। सो बने रहिए वीडियो के साथ एंड तक और बिना टाइम वेस्ट करे अब करते हैं वीडियो को शुरू। तो बैठिए गाड़ी पे, चलते हैं राइड पे। तो लिस्ट को शुरू करते हैं नंबर 10 के साथ। नंबर 10 पर जिस रेसलर का नाम है वो है अल्टीमेट वॉरियर। अल्टीमेट वॉरियर मतलब ऐसा नाम जो कि कोई भी WWE फैन या कोई भी रेसलिंग फैन इस नाम को नहीं भूल सकता है, क्योंकि जब ये हुआ करते थे WWE के अंदर बहुत ही ज़्यादा इनका नाम हुआ करता था। इनकी जो गिमिक थी वो काफ़ी ज़्यादा फेमस थी और WWE के बाहर भी इन्होंने कुछ मूवीज़ में काम किया और काफ़ी नाम इन्होंने कमाया, और इसलिए ये आते हैं हमारी इस लिस्ट में नंबर 10 पर। चलते हैं थोड़ा सा आगे नंबर 9 पे। नंबर 9 पे किसी एक रेसलर को मैंने नहीं रखा है, इसमें 2 रेसलर को मैंने कंबाइंड रखा है, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक को पिक करना बहुत ज़्यादा टफ था, तो मैंने दोनों ही को यहाँ पर कंबाइंड भी किया है नंबर 9 पोजीशन के लिए। और पहले इसमें से होने वाले हैं दी आइकॉन कोल्डबर्ग। कोल्डबर्ग अगर कोई जानता है WWE, अगर उसने देखी होगी तो इस नाम को बहुत अच्छे से जानता होगा। WWE के अलावा भी इन्होंने काफ़ी मूवीज़ वगैरह में काम किया, इवेंट्स में जाते रहे हैं कोल्डबर्ग। उनकी विनिंग स्ट्रीक को अगर कोई जानता है, अंदर ऑफकोर्स ब्रॉक लेसनर को आकर 1-2 मिनट के अंदर हराना, वो भी इनक्रेडिबल रहा है इनके करियर में। सो कोल्डबर्ग आते हैं नंबर 9 पे कंबाइंड। और जो दूसरा रेसलर इनके साथ आते हैं वो कोई और नहीं है, वो है देव बतिस्ता। अब बतिस्ता का नाम इस लिस्ट में होना बिल्कुल बनता है। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे जिन्होंने WWE में ही सिर्फ बतिस्ता को देखा है, वो सोच रहे होंगे क्यों बतिस्ता इस लिस्ट में है। तो गाइस बहुत बड़े हॉलीवुड स्टार हैं बतिस्ता, काफ़ी मूवीज़ में ये काम कर चुके हैं और अभी भी ये करते हैं। करेंटली गार्डियन ऑफ गैलेक्सी में इन्होंने, आपने इन्हें देखा होगा, देन और भी कई मूवीज़ है जहाँ पे आपने बतिस्ता को देखा होगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली करेंटली ये हॉलीवुड में एक्टिव है, यानी कि अभी भी ये काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, तो इसलिए इनका इस लिस्ट में आना बिल्कुल बनता है। और इनको मैंने रखा है कंबाइंड नंबर 9 पोजीशन पे। चलते हैं थोड़ा सा आगे नंबर 8 पे। नंबर 8 पे जिस रेसलर का नाम आता है वो कोई और नहीं है, वो है एंड्रे द जायंट। मतलब अगर जायंट्स की लिस्ट निकाली जाए ग्रेटेस्ट जायंट ऑफ WWE हिस्ट्री, तो सबसे पहले सबसे आगे जिसका नाम होगा वो ऑफकोर्स एंड्रे द जायंट होंगे। इन्होंने WWE में इतना नाम किया है, आप आइडिया लगा सकते हो कि अभी भी रेसलमेनिया में इनके नाम से एंड्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल कराया जाता है। इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि इनके नाम को अभी भी WWE यूज़ कर रही है प्रोमोशन के लिए, ऑडियंस गेन करने के लिए, क्योंकि और अपने साइज़ की वजह से ये काफ़ी फेमस रही हैं। सिर्फ WWE में इनकी डिमांड नहीं रही है, WWE के बाहर भी लोग इन्हें अपने इवेंट्स में बुलाया करते थे, लोग अपने इन्हें शोज़ में बुलाया करते थे, मूवीज़ में भी इन्होंने काम किया अगर आपको नहीं पता हो तो काफ़ी इनकी डिमांड हुआ करती थी। मतलब उस वक्त काफ़ी फेम इन्होंने कमाया WWE के बाहर से भी, इसलिए ये इस लिस्ट में तो आने बिल्कुल बनते हैं और ये इस लिस्ट में आते हैं सीधा नंबर 8 पर। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे नंबर 7 पे। नंबर 7 पे जिस रेसलर का नाम है वो करेंटली WWE के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है। आपने आइडिया लगा लिया होगा मैं बात कर रहा हूँ Triple H की। Triple H इस लिस्ट में आते हैं नंबर 7 पे। अब यार 14-time WWE चैम्पियन है, उससे आइडिया लगा सकते हैं कि WWE में एज अ रेसलर भी ये काफ़ी बड़े रेसलर रहे हैं, हर कुछ किया है इन्होंने। मतलब WWE में जो भी बड़ी अचीवमेंट है इन्होंने सब ऑलमोस्ट की है हासिल, एंड देन ऑफकोर्स इनकी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट। अब यार जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो और उसी कंपनी के बॉस की अगर आप बेटी को सेट कर लेते हो तो मतलब फिर एक ही रिएक्शन बचता है देने के लिए। अब
अब इनके अलावा भी ये काफ़ी चीज़ें कर चुके हैं WWE के अलावा, ये मूवीज़ में काफ़ी सारी में काम कर चुके हैं, आप इनकी मूवीज़ देख सकते हो। एंड देन ऑफ कोर्स शोज़ में ये जाते रहते हैं क्योंकि अब ये चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी हैं, तो हर जगह प्रोमोशंस वगैरह में ये WWE के ये हमेशा जाते हैं, तो काफ़ी फेम इन्होंने अब कमा लिया है। पहले ये इस लिस्ट में नहीं होते बट अब ये इस लिस्ट में आते हैं 7 पर। चलते हैं थोड़ा सा आगे 6 पर। 6 पर जिस रेसलर का नाम आता है वो कोई और नहीं है, वो मिस्टर रेसलमेनिया हिमसेल्फ शॉन माइकल हैं। अब इनका नाम इस लिस्ट में आना बनता है WWE की हिस्ट्री के वो नाम जिसे WWE ही नहीं बल्कि कोई भी रेसलिंग प्रमोशन नहीं भूल सकता। काफ़ी इनक्रेडिबल इनका करियर रहा है WWE के अंदर, हालांकि इनका WWE के बाहर इन्होंने उतना नाम नहीं किया, लाइक मूवीज़ वगैरह में इतने ज़्यादा ये नहीं आपको अपीयर होते हुए दिखे, बट स्टिल WWE के अंदर से इन्होंने इतनी पॉपुलैरिटी गेन कर ली थी कि इनको इस लिस्ट में आना बनता है, और इसको हमने रखा है लिस्ट में 6 पर। चलते हैं 5 पे। 5 पे इनका नाम आना बिल्कुल बनता है, मतलब इनके बिना ये लिस्ट अधूरी, और मैं बात कर रहा हूँ हल्क हॉगन की। हल्क हॉगन मतलब अगर आपने पहले की वीडियोस देखी होगी इनके मैचेस वगैरह की या आपने सुना होगा, तो मतलब ये हल्क हॉगन जो नाम था ये WWE का फेस उस टाइम हुआ करता था, मतलब जैसे कि अभी फ़िलहाल रोमन रेंस को आप देख रहे हो, इससे पहले आप जॉन सीना को देखा करते थे, उससे पहले आप स्टोन कोल्ड को देखा करते थे, तो स्टोन कोल्ड से पहले जो WWE के फेस थे वो हल्क हॉगन थे। हर जगह मतलब रेसलिंग प्रमोशंस हो हर जगह WWE ने भेजा करती थी, शोज़ में ये काफ़ी अपेयर हुए हैं, इन्होंने मूवीज़ भी किए हैं, काफ़ी सारे इवेंट्स वगैरह में ये जाते रहे हैं, तो मतलब काफ़ी इनका नाम रहा है। अभी भी ये आपको शोज़ में देखने को मिलते हैं, स्पेशल अपेयरेंसेस में TNA में इन्होंने काम किया है कुछ टाइम के लिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस WWE के रेसलर रहे हैं और इनक्रेडिबल तो ये रहे ही हैं, और इसलिए ये लिस्ट में आते हैं 5 पे। अब थोड़ा सा आगे चल के कुछ दूर चल के जो नंबर आता है वो है 4, और 4 पे जिस रेसलर का नाम आता है वो है दी अंडरटेकर। दी अंडरटेकर मतलब नाम ही काफ़ी है। इनकी अचीवमेंट के बारे में मैं आपको क्या बताऊँ, हर कोई जानता है इनके अचीवमेंट के बारे में, क्या क्या इन्होंने किया है, कैसे इन्होंने नाम कमाया है, हर कोई जानता है, और यही इनकी खासियत है कि इनको हर कोई जानता है। अब अगर ये लिस्ट होती WWE से फेम कमाने की सिर्फ, तो ये उस लिस्ट में सबसे ऊपर देखने को मिलते, बिकॉज जो इनकी गिमिक थी अंडरटेकर द डेडमैन वाली वो ऑफकोर्स सबसे ज़्यादा फेमस रही है WWE की हिस्ट्री या रेसलिंग की हिस्ट्री की, और मूवीज़ वगैरह में या बाहर ज़्यादा नहीं देखा होगा क्योंकि इनका जो कैरेक्टर इनका जो गिमिक है डेडमैन वाला अलाउ नहीं करते हैं WWE इनके कैरेक्टर को कि ये अंडरटेकर से बाहर निकल कर भी लोगों से मिल सके इतना या मूवीज़ वगैरह में अपीयर हो सके, तो इनको अलाउ नहीं किया जाता है इसलिए, ताकि इनकी जो डेडमैन वाला जो इनका कैरेक्टर है इनकी जो गिमिक है वो हमेशा लेजेंडरी इसी तरीके से बनी रहे। हालांकि अब इनके एंड ऑफ करियर में आप इन्हें देख रहे हो, इनकी डॉक्यूमेंट्री बन रही है और भी ये अपीयर हो रहे हैं कैरेक्टर से बाहर निकल कर, तो अब क्योंकि इनका एंड हो चुका है सब कुछ और अब इंटरनेट की दुनिया है, तो अब हर कोई जानता है अंडरटेकर के पीछे का सच, बट पहले नहीं यह चीज़ की जाती थी क्योंकि हर कोई इनको सच समझता था, मतलब इनकी जो कहानियाँ रही है लाइक ये मर के जिंदा हुए हैं ये सब कहानियाँ बचपन में हमने सुनी थी, तो उस वक्त इन्हें छुपा के रखा जाता था, इनके पीछे का सच नहीं दिखाया जाता था, इसलिए ये मूवीज़ वगैरह में अपेयर नहीं होते थे, इसलिए इनको सैलरी भी ज़्यादा दी जाती थी बाकी रेस्टर्स के हिसाब से, तो इसलिए ये होंगे हमारे लिस्ट में 4 पर। चलते हैं थोड़ा सा आगे 3 पर। 3 पर जिसका नाम आता है वो है जॉन सीना। जॉन सीना WWE की रिंग में बहुत कुछ कर चुके हैं, बहुत कुछ अचीवमेंट वो हासिल कर चुके हैं, 10-12 साल तक WWE का फेस रहे हैं, WWE से बाहर भी अब वो आपको पता है कि हॉलीवुड में काम वगैरह करने लग गए हैं, अब मूवीज़ वगैरह में फीचर्स होते हैं, और अब ये काफ़ी ज़्यादा फेम और कमा रहे हैं हॉलीवुड से भी। अभी ये 3 पर आपको देखने को मिल रहे हैं, बट आई एम श्योर कुछ महीने बाद या ये कहें एक साल बाद अगर मैं यही वीडियो दोबारा बनाऊंगा तो आई एम श्योर कि ये 3 से 2 पर चले जाएंगे, जिस हिसाब से इनकी पॉपुलैरिटी गेन इस वक्त हो रही है। बट फिलहाल ही आते हैं 3 पर। मूवीज़ वगैरह में ये फीचर हो रहे हैं, बम्बल बी वगैरह बहुत सारी मूवीज़ में ऑलरेडी फीचर हो चुके हैं, और भी आने वाली है इनकी आगे आने वाले समय में मूवीज़, सो लेट्स सी कितनी पॉपुलैरिटी ये गेन कर पाते हैं। फिलहाल ही आते हैं 3 पर। चलते हैं थोड़ा सा आगे 2 पे। 2 पे जिनका नाम आता है वो है बैडेस्ट SOB इन द हिस्ट्री ऑफ WWE। मैं बात कर रहा हूँ स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की।
मतलब अगर इनका नाम WWE की हिस्ट्री से हटा दिया जाए तो आप सोचो कि किस तरीके की लगेगी WWE इनके नाम के बिना। एटीट्यूड एरा मतलब पूरी तरीके से डिफाइन करते हैं स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। रेसलिंग अब ये नहीं करते हैं, रिटायरमेंट ले चुके हैं क्योंकि फिजिकली ये फिट नहीं थे, पर फिर भी WWE ने कभी छोड़ती नहीं है ना ही ने कभी छोड़ा। मतलब इन्होंने रेसलिंग रिंग जरूर छोड़ दी, बट WWE के साथ ही हमेशा से बने रहे हैं। इनके शोज़ वगैरह आते रहते हैं, WWE ने शोज़ देती रहती है होस्ट करने के लिए, लाइक टफ इनफ इन्होंने होस्ट किया है, इनका एक पॉडकास्ट आता है और करेंटली भी ये शोज़ करते रहते हैं WWE के लिए। मतलब WWE की ये खासियत है कि अगर कोई बड़ा नाम है तो उसका यूज़ किस तरीके से करना है ये इन्हें बहुत अच्छे से आता है। अगर कोई रेसलर रेसल नहीं कर सकता तो उनका यूज़ वो कहीं ना कहीं से ले लेते हैं ताकि वो गेन कर सके ऑडियंस। और इसके अलावा मूवीज़ में भी काफ़ी काम कर चुके हैं ये, पहले भी अभी भी करते आ रहे हैं और काफ़ी फेम इन्होंने कमाया है WWE के बाहर से भी, तो इसलिए ये आते हैं हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर। And that's the bottom line, 'cause Stone Cold sets up. अब नंबर 1 पर चलने से पहले कुछ ऐसे mentions में नाम करना चाहूँगा जो इस लिस्ट में या तो कुछ समय बाद आने वाले हैं या कुछ ऐसे नाम हैं जो आते आते रह गए, थोड़ा सा चूक गए, तो उनको मैं mention यहाँ पर करना चाहता हूँ। इसे कह सकते हो आपकी honorable mentions मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उसके बाद चलते हैं सीधा नंबर 1 पे, यानी कि कौन सा ऐसा WWE का रेसलर है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस है। अब आई थिंक ये सवाल 99.9% हर किसी को पता होगा कि ये कौन है, और मैं बात कर रहा हूँ दी मोस्ट इलेक्ट्रोफाइंग मैन इन स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट, द रॉक। मतलब बात हो अगर माइक्रोफोन के साथ कमाल करने की, बात हो मूवीज़ में एक्शन कमाल के डायलॉग रखने की, तो वहाँ पर नाम ऑब्वियसली द रॉक आता है सबसे ऊपर। ऑब्वियसली विदाउट एनी डाउट ये सबसे ज़्यादा फेमस WWE के रेसलर रहे हैं ऑल टाइम में। मुझे नहीं लगता कि इनको जल्दी से कोई रिप्लेस कर सकता है इनके स्पॉट से। और ये सिर्फ एक्टर ही नहीं है, मूवीज़ में तो इन्होंने बहुत काम किया है जो कि सब जानते हैं, बट ये प्रोड्यूसर भी हैं तो उससे भी इन्हें काफ़ी पॉपुलैरिटी मिलती है। मतलब ये मूवीज़ में काम तो करते ही हैं बट उसे प्रोड्यूस भी ये करते हैं, तो इसलिए पीपल्स चैंपियन आते हैं हमारे नंबर 1 पर। Here's something before you two go that needs no translation. If you're some man, what the rock is cooking. So guys, यही तक थी ये लिस्ट मोस्ट फेमस WWE रेस्टलर्स ऑफ ऑल टाइम। बहुत सी ऐसी कमाल की लिस्ट आने वाली है आने वाले समय में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे जब मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप उस वीडियो को देख सकें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, और ये वाली वीडियो अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करके जाना। तो करते हैं फिर इस वाली वीडियो को यहीं पर एंड, मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो टिल देन गाइस, अपना ख्याल रखो, ख्यालों में अपने भाई को भी याद रखो, एंड ऑफकोर्स डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन।